हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में दोस्तों आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है सर मैप पर क्वेश्चन बता दीजिए जो आप लोगों लोग एग्जाम में आने वाला है जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है तो इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि आप लोग मैथ में जो तीनों सेट का सवाल उसको देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बता देंगे तो वीडियो को पूरा देखना मैप से सवाल छूटेगा नहीं बिल्कुल पांच नंबर अपना कन्फर्म कर लोगे तो पांच नंबर दोस्तों कम नहीं होता है चलिए शुरू करते हैं और चैनल पर जितने जितना विद्यार्थी पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर जितने भी दोस्त जो पढ़े नहीं है या फिर उसको पता नहीं है उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिल सके और एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर गेन

ठीक है सिमलीपाल कहाँ है सिमलीपाल ओडिशा में है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ये लोग है कहाँ पर सिमलीपाल और मानस काजिरंगा तो ये देखो ये है आसाम का एरिया ठीक है तो देखो यहाँ पर काजिरंगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काजिरंगा है यहाँ पर मानस है और यहाँ पर है सिमलीपाल ठीक है जब आप लोग इसको दर्शाओगे तो इस प्रकार का साइन का इंडिकेशन करोगे कि वो इसका मतलब होता है नेशनल पार्क तो चलिए चलते हैं हम लोग ब्लैंक स्पेस में ब्लैंक मानचित्र में और उसको दिखाते हैं दर्शाते हैं तो सबसे पहले बात आता है काजीरंगा का तो काजीरंगा आप लोग देख सकते हो कहां पर है जस्ट यहां पर ठीक है तो उसको दर्शाना ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं काजीरंगा आप लोग आराम से यहां दर्शा सकते हो ये देखो काजीरंगा यहां पर है साइन कैसा है तो ऐसा ही साइन यहां पर दे देना ठीक है क्योंकि यहां पर मैं हाथ से कर रहा हूं तो थोड़ा दिक्कत होगा एक मिनट में उसको पतला कर लेता हूं चलो ठीक है तो जस्ट छोटा सा यहाँ पर आप लोग दिखा देना क्योंकि वहां पेंसिल से करोगे तो हो जाएगा इस प्रकार से एगो ठीक है ट्राइंगल टाइप का दिखाना और यहाँ पर ऐसे करके एक एरो चूंकि यहाँ पर तो आप लिख सक नहीं सकते हो तो यहाँ पर एक एरो करके ऐसे करके दिखा देना और साइड में लिख देना क्या काजी रंगा ठीक है काजी रंगा ओके का ये आप लोग का हो गया नेक्स्ट अब किसको दिखाना है मानस को तो मानस जस्ट उसके बगल में है ठीक है जस्ट उसके बगल में मानस है तो मानस को जस्ट आप ऐसे करके दिखाओगे ऐसे करके यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दोगे ठीक है और ऐसे करके दिखा देना नीचे या कहीं भी दिखा देना कि यहाँ पर ये मानस है ठीक है मानस ठीक है अब क्या है बात अब है दोस्तों आप लोग का सिमली तो देख सकते हो तो शिमली पाल कहां पर है ठीक है सिमली दोस्तों आप लोग का इस एरिया में सिमली है ठीक है उड़ीसा में तो यहां पर देखो चलो इसको मैं मिटाता हूँ ठीक है अब शिमली को देखता हूँ सिमली देखो सिमली पाल को लिए आप ट्रिक याद रखना देखो यहां पर जस्ट ऐसा उभरा हुआ है है ना उभरा हुआ यहां पर देखो इसी के सामने शिमली है तो यहाँ पर देखो कहाँ उभरा हुआ है उभरा हुआ भाग यहाँ पर है ठीक है इसी के सामने आपको सिमली को दर्शा देना है तो जस्ट उसके ऊपर में एक ट्राइंगल बना देना ऐसे करके

कहाँ कहाँ है देखो जस्ट ये भी आसान है ये आपको दिख रहा है इतना एरिया ये वाला ऊपर वाला एरिया सबको छाइंकित कर देना अरे भाई साहब रुकना हाँ ठीक है ये जो एरिया आपको इस तरह से दागे दे देना है और ऊपर का जो एरिया है उसको छाइंकित कर देना है और एक छोटा सा जस्ट यहाँ पर है तो इसको कर देना है चाइंकित ये दे देखो और एक यहाँ पर एरिया है इसको छाइंकित कर देना तो चलिए हम लोग मैप में चलते हैं उसको छाइंकित करते हैं ठीक है तो देखो कैसे करेंगे हाँ तो सबसे पहले जो भारत का हेड है ठीक है उसको आप लोग यहाँ पर काट दो ये मतलब उसको क्या यहाँ पर दागी दे दो ठीक है ये वाला जी आप देख सकते हो ये यह वाला यहाँ से मिला करके यहाँ तक मिला दो ऐसे करके बस मिल गया यहाँ तक जैसे ही मिला बस इसको ऊपर वाला एरिया को आप छाइंकित कर दो ये यह यहाँ तक मिला देना बस ऊपर वाला जो है उसको छाइंकित कर देना हो गया एक चीज़ यहाँ ये जितना चीज़ देख रहे पूरा कुछ छाइकित करना किसी को नहीं छोड़ना पेंसिल पूरा छाइकित कर देना अब जस्ट एक उभरा हुआ यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर जस्ट ये वाला जो एरिया है छोटा सा एरिया आपको दिख रहा होगा ये वाला ये ये वाला एरिया ठीक है इसको छाइंकित कर देना है और नेक्स्ट बात आती है कहाँ पर तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ से ठीक है ये वाला एरिया यहाँ से ले लेना और ऐसे करके यहाँ तक इसको दिखा देना ऐसे करके यहाँ तक बस ऐसे करके आप लोग ऐसे यहाँ तक दिखा दोगे जस्ट एक मिनट आपको दिखाता हूं मैं ये ऐसे करके यहाँ तक ले लेना ठीक है बस इसको साइंकित कर देना हो गया आप लोग का पर्वतीय वन ठीक है इतना करना है हो गया आप लोग का अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों पर्वतीय वन भी आप लोग का हो गया अब जो लास्ट वाला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और स्केच भी अच्छे से करना पड़ेगा इसमें है क्या देखो कि भारत के मानचित्र पर एक से दो सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करें जहां पर एक से दो सौ मीटर वर्षा होता है तो यहां देख सकते हो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा ये वाला एरिया यहां से देखो ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ये वाला जो एरिया आपका दिख रहा है ये वाला यहाँ से लेकर के ऐसे करके ऐसे ठीक है और इधर वाला छोटा सा एरिया है ये पूरा एरिया आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा ठीक है यहाँ तक ये एरिया आपका हो गया छोटा सा एरिया फिर यहाँ पर आप लोग का पड़ता है ठीक है ये वाला आप लोग देख सकते हो छोटा सा और यहाँ पर छोटा छोटा है और यहाँ पर एगो है ठीक है और एगो जस्ट छोटा सा पतला सा लाइन यहाँ पर एक खींच देना आप लोग को इस प्रकार से ये ये वाला लाइन आपको दिख रहा है एकदम तो पतला सा लाइन है ठीक है तो पतला सा बस आप लोग पेंसिल से दो बार खींच दोगे हो जाएगा तो चलिए हम लोग उसमें पर दिखते हैं सबसे पहले हम लोग जो सबसे आसान वाला चीज़ है उसको दर्शाते हैं यहाँ पर छोटा सा एरिया है आप लोग देख सकते हो जस्ट यहाँ पर आप लोग का छोटा सा एरिया निकल कर सामने आता है ठीक है तो यहाँ पर ऐसे, ऐसे कर कैसे कर कर देना एक मिनट यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ले जाना और ऐसे करके ऐसे जस्ट थोड़ा सा थो ऊपर ठीक है ऐसे करके दिखा देना यहाँ पर और इसको दर्शा देना ठीक है बस जैसा है उस तरह का एक आकृति बना देना और यहाँ पर दर्शा देना इसको हो जाएगा ये वाला एरिया उसके बाद आएंगे बड़ा वाला एरिया में तो बड़ा वाला एरिया के लिए देखो क्या करना है आपको जस्ट यहाँ से देखो कहाँ पर ये ये यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से तो यहाँ से आपको शुरू करना है ऐसे करके थोड़ा सा आप नीचे ले जाओगे पहले ठीक है फिर ऊपर उठाओगे फिर यहाँ से ऐसे कर घुमा के ऐसे करके ऐसे ले जाना है समझ गए ये हो गया और ऊपर से एक लाइन आपको लाकर इससे मिला देना है कहाँ से लाओगे एक लाइन तो ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से एक लाइन होगे ये वाला एरिया से एक लाइन ला के यहाँ मिला दिए ठीक है ये हो गया और फिर यहाँ से आपको छोटा सा एरिया यहाँ पर ऐसे करके ये वाला ए ये वाला मिला देना है ठीक है ये वाला तो बस अब जो है उसको खाली सांकित कर दो ये वाला एरिया ठीक है ये एरिया को जितना है छाइंकित कर दो ये बड़ा वाला एरिया हो गया ठीक है पूरा पूरी छाइंकित कर देना है इसको जहाँ तक कहाँ तक करना है देखो यहाँ इधर पूरा कर देना है ठीक है और यहाँ से छोटा सा एरिया है वो वाला भी कर देना है बस और बाकी सबको छोड़ देना है ये वाला हो गया और एक लाइन आपको बताएं जस्ट मो यहाँ पर एक एकदम हल्का सा लाइन एक आएगा यहाँ पर एक पतला सा लाइन आएगा जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा मोटा सा होगा छोटा सा और मोटा सा ठीक है एक और यहाँ से एक पतला सा लाइन एकदम आएगा एकदम पतला सा लाइन ले आना ठीक है इस तरह से पतला सा लाइन इस तरह से दर्शा देना ठीक है जस्ट ये हो गया और उसके बाद चूँकि ये पेंसिल से करोगे और चूँकि मैं यहाँ पर हाथ से कर रहा हूँ ना तो यहाँ पर उस तरह से नहीं हो रहा है लेकिन आप पेंसिल से करोगे बहुत सहूलियत से होगा प्लेन होगा ठीक ये हो गया और यहाँ पर नीचे में देख सकते हो तो आप लोग एक नीचे में एरिया आ रहा है यहाँ पर देखो यहाँ पर मुड़ रहा है तो यहाँ से ले रहा है एक एरिया तो रहा वहां से आप यहां से इस प्रकार के एरिया दिखा देना ऐसे करके बस्ट हो गया बस को सांकित कर दो हो गया और उससे ऊपर में थोड़ा सा ऊपर में जस्ट आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा उसके ऊपर में ठीक है ये वाला एरिया आपको कर देना ये वाला बस हो गया इतना कर दो कि आपको मिल जाएगा पांच नंबर ठीक है चूंकि पेंसिल से करोगे और इसको बार प्रयास कर लो ये जो एरिया है इस एरिया को आप अच्छे से देख लो कि कहाँ पर कैसे करके घुमा रहा है क्या है बस कर बस आपको छाएंगित करना और कुछ नहीं आपको पूरा पूरी यहाँ पर पाँच नंबर मिल जाएगा और ये तो बहुत ही आसान है दोनों और यहाँ पर दोस्तों नेशनल पार्क की बात करें तो कुछ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क आप लोग याद रख लीजिएगा ठीक है जैसे कान्हा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है तो याद है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है बीचों बीच है बस ऐसे करके आप लोग दिखा दोगे कि हाँ ये कान्हा नेशनल पार्क है समझ गए कान्हा नेशनल पार्क के बाद आप लोग और भी एक दो को इम्पॉर्टेंट वाले याद रख लेना ठीक है गिर नेशनल पार्क कहाँ है यहाँ है ठीक है तो ये सारा चीज़ आप याद रख लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं आराम से नंबर आ जाएगा पाँच नंबर कम नहीं होता है दोस्त ठीक है तो बस सभी को शेयर कर देना और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करना और एक दो वीडियो आएगा आप लोग एग्जाम पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जो तो कि एनसीईआरटी से टॉपिक उठा कर करके हम लाएंगे ठीक है चलो लव्यू ऑल थैंक यू यू अभी लविले फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जय हिंद वंदे मातरम